तो फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और बिग बॉस फाइनल यानी ग्रैंड फाइनल वीक जो ये था जो चल रहा है वो आज फाइनल है। तो ओवरऑल बहुत ही एंटरटेनमेंट करने के लिए मिला, बहुत ही मज़ा आया। सनीपा जी आए थे और अमीषा पटेल, और आपको बहुत सारा मतलब इंटरटेनमेंट करने में दोनों तीनों आदमी कामयाब किया। उसके बाद कृष्णा आए हुए थे, बहुत मज़ा आया। सलीन का माँ को लेकर, ये तोकिर साहब को लेकर, ये एड टू जेड परफेक्ट मज़ा आया है। लेकिन क्या बात करें, पांच में से अब दो निकल चुके हैं, बस ओनली वन थ्री बाकी हैं। सलीन है 5वें नंबर पे और अर्चना गौतम है 4वें नंबर पे, जो हमेशा बोलती थी एमसी स्टैन को कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलता है, वो अभी खलास हो चुका है। अब यही सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि क्या होता है, कि कौन ट्रॉफी जीतता है, प्रियंका शिव या एमसी एस्टानी, यानी कि तीनों में से कौन जीतता है, यही सबसे बड़ी बात है। अभी अभी आएगी वो एपिसोड, अभी अभी मतलब ये चलेगी, तो यही देख आप लोग बताएंगे सर क्या जलवा चल रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है ये पूरा एपिसोड देखने में। सलमान सर क्या मस्त एंटरटेनमेंट करा रहा है, इतना धांसू लग रही है। आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा, एमसी स्टैन शिव या प्रियंका? तो शायद ये हमको तो 99% ये लग रही है कि शिव ठाकरे ही जीतेंगे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस से, और एमसी स्टैन है उसके बाद में, शायद प्रियंका चहल चौधरी होंगे, क्योंकि ऑडियंस का सबसे बड़ा प्यार जितना है, ऑडियंस का प्यार शिव ठाकरे ऑलरेडी पहले से जीत चुके हैं, और एमसी स्टैन क्योंकि उनको रियल हर एक जगह बताया जाता है, तो वही जीतेंगे शायद, यही लगता है। अब देखते हैं, बस कुछ ही देर में शायद ये वीडियो आप लोग देखेंगे, उस वक्त तक शायद फाइनल जो रहेगा वो सामने आ चुका रहेगा, क्योंकि वीडियो पूरे में टाइम लगेगी, अपलोड भी किया जाएगा, तो सर कुछ टाइम लग सकती है। ओवरऑल आप लोग क्या लगता है, आप लोग कमेंट बताएं विनर कौन बनेगा, अभी भी टाइम है, आप लोग कमेंट बता सकते हैं। जिसके पास होगा दिल, सच्चा दिल, वही विनर बन सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। ओवरऑल एक और क्या सबसे बड़ी बात है कि पहले तो निमृत का मूवी का टाइम मतलब मिल गया था, अब मिल गया आपको शालिनी वरुण का मूवी करने का टाइम मतलब मौका मिल गया है। देखते हैं कैसे कैसे मूवी आती है, किस हिसाब से आती है, और भी बहुत सारे जो इसमें हैं उनको करियर बनने वाली है। तो देखते हैं खतरों के खिलाड़ी में कौन जा रहा है, शालिन जा रहे हैं वो तो नहीं जाएंगे, आपको शिव ठाकरे जा रहे हैं या प्रियंका जा रही है, ये सबसे बड़ी बात रहेगी देखने के लिए। आप लोग चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, विनर घोषित होगा उसी वक्त आप लोगों के सामने वीडियो आ जाएगा, बिना ना पड़ेगा और आपके सामने आ जाएगा, आप लोगों को फुल एंटरटेनमेंट करने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, एंड आप लोग के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों को यहाँ पे एक से एक बड़ी अपडेट मिलता रहेगा, मूवी रिव्यू और रिएक्शन एड टू जेड मिलेगी, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अगर नहीं हो लगता सॉन्ग का, अगर आप लोगों ने रिव्यू नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग जाइए चैनल पर और उसका रिव्यू देखिए, जब तक दूसरा वीडियो भी लेके आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।